गगन में लहरता है भगवा हमारा, गगन में लहरता है भगवा हमारा, घेरे घोर घनता सता के भयंकर गवा बैठे सर्वस्व आपस में लड़कर बुझे दीप घर घर हुआ शून्य अंबर। निराशा निशान है जो डेरा जमाया, ये जयचंद के द्रोह का दुष्ट फल है जो अब तक अंधेरा सवेरा ना आया। घेरे घोर घन दासता के भयंकर गवा बैठे सर्वस्व आपस में लड़कर बुझे दीप घर घर हुआ शून्य अंबर। निराशा निशाने जो डेरा जमाया, ये जयचंद के द्रोह का दुष्ट फल है जो अब तक अंधेरा सवेरा न आया। मगर घोर तम में पराजय के गम में विजय की विभाले अंधेरे गगन में उषा के वसन दुश्मनों के नयन में चमकता रहा पूज्य भगवा मारा गगन में। भगवा है पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, भगवा है पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, मिटाती अमावस लुटाती उजाला, नया एक इतिहास क्या रचन डाला, चिता एक जलने हजारों खड़ी थी, पुरुष तो मिटे नारियां सब हवन की, समिज व ननल के पगों पर चढ़ी थी, मगर जौहरों में घिरे कोहरों में धुएं के घनों में कि पल के क्षणों में धधकता रहा पूज्य भगवा मारा गगन में लहरता है भगवा। मिटे देवता मिट गए शुभ्र मंदिर, लुटी देवियां लुट गए सब नगर घर, स्वयं फूट की अग्नि में घर जलाकर पुरस्कार, हाथों में लोहे की कड़ियां, कपोतों की माता घड़ी आज भी है, भरे अपनी आंखों में आंसू की लड़ियां, मगर दासता के भयानक खबर में पराजय समर में अखीरी क्षणों तक सुभाषा बताता कि इच्छा जगाता कि सब कुछ लुटाकर ही सब कुछ दिलाने बुलाता रहा प्राण भगवा हमारा गगन में लहरता है भगवा। अंतिम है कवि थे अकेले, ये संत के जन्म की कल्पना है। डॉक्टर साहब अकेले थे, कवि थे अकेले, हुए आज इतने नहीं तब डरे तो भला आप डरेंगे। कभी थे अकेले हुए आज इतने नहीं तब डरे तो भला डरेंगे, विरोधों के सागर में चट्टान है हम जो टकराएंगे मौत अपनी मरेंगे। लिया हाथ में ध्वज कभी ना झुकेगा, लिया हाथ में ध्वज कभी ना झुकेगा, कदम बढ़ रहा है कभी ना रुकेगा, न सूरज के सम्मुख अंधेरा टिकेगा, निडर है सभी हम अमर है सभी हम कि सर पर हमारे वरद हस्त करता गगन में लहर। मैं शंकर का वह क्रोधा नल कर सकता जगती क्षार क्षार डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूँ जिसमें नचता भीषण संहार रणचंडी की अत्यंत प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरखट का धुआं धार, फिर अंतरतम की ज्वाला सी जगती में आग लगा दू मैं, यदि धधक उठे जल थल अंबर जड़ चेतन तो कैसा विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रगर हिंदू मेरा। मैं आज पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भूपल, पै पीकर सब मरते आए मैं अमर हुआ लो विष पीकर, मैं आज पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भू पर, पै पीकर सब मरते आए मैं अमर हुआ लो विष पीकर, अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर वह आग प्रखर, हो जाती दुनिया भस्म साथ जिसको पल भर मैं ही छूकर, वैसे व्याकुल फिर दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया न इसमें कुछ संशय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रगर रगर। मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का
मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमरदान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान, मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सत्य का शहर, मेरा स्वर नभ में घर घर, सागर की जल में छहर छहर, इस कोने से उस कोने तक कर सकता जगती सौरभ मय, हिंदू जनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं तेज पुंज तमलीन जगत में फैलाया मैंने प्रकाश, जगती का रच करके विनाश, कब चाहा है निज का विकास, शरणागत की रक्षा की है मैंने अपना जीवन देकर, विश्वास नहीं यदि आता तो साक्षी है इतिहास अमर, यदि आज देहली के खंडहर सदियों की निद्रा से जगकर गुंजार उठे ऊंचे स्वर से, हिंदू की जय तो क्या विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा। दुनिया के वीराने पथ पर जब जब नरने खाई ठोकर, दुनिया के वीराने पथ पर जब जब नरने खाई ठोकर, जो आंसू शेष बचा पाया, जब जब मानव सब कुछ खोकर, मैं आया तभी द्रवित होकर, मैं आया ज्ञान दीप लेकर, भूला भटका मानव पथ पर चल निकला सोते से जगकर, पथ के आवर्तों से थककर, जो बैठ गया आगे पथ पर, उस नर को राह दिखाना ही मेरा सदैव का दृढ़ निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा। मैंने छाती का लहू पिला, पाले विदेश के सुजित लाल, मैंने छाती का लहू पिला, पाले विदेश के एक सुजित लाल, मुझको मानव में भेद नहीं, मेरा अंतस्थल वर विशाल, जग से ठुकराए लोगों को, लो मेरे घर का खुला द्वार, अपना सब कुछ हूँ लुटा चुका, फिर भी यक्ष है धनागार, मेरा हीरा पाकर ज्योतित परकियों का वह राज मुकुट, यदि इन चरणों पर झुक जाए कल वह किरीट तो क्या विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग मेरा। मैं वीर पुत्र मेरी जननी के, जगती में जौहर अपार, अकबर के पुत्रों से पूछो क्या याद उन्हें मीना बाजार, क्या याद उन्हें चित्तौड़ दुर्ग में जलने वाली आग प्रखर, जब हाय सहस्त्रों माताएं तिल तिल कर जल कर हो गई अमर, वह बुझने वाली आग नहीं रग रग में उसे समाये, बुझने वाली आग नहीं रग रग में उसे समाये हूँ, यदि कभी अचानक फूट पड़े विप्लव लेकर तो क्या विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन को गुलाम, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है कर लू जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम, गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू। अंत में मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु है यह मेरा हिंदू समाज, मेरा इसका संबंध अमर में व्यक्ति और यह है समाज, इससे मैंने पाया तन मन, इससे मैंने पाया जीवन, मेरा तो बस कर्तव्य ही कर दूं सब कुछ इसके अर्पण, मैं तो समाज की थाती हूँ, मैं तो समाज का हूँ सेवक, मैं तो समष्टि के लिए व्यष्टि का कर सकता बलिदान, अब है हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा। पांवों के नीचे अंगारे सर पर बरसे यदि ज्वालाएं निज आंखों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती आए गिरे पड़े की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे सर पर बरसे यदि ज्वालाएं निज आंखों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, हास्य रुदन में तूफानों में, ये शब्दावली पर ध्यान दी, हास्य रुदन में तूफानों में, अमर संख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में
चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अंधियारे में, उजियारे में, अंधकार में, कलकछार में, बीच धार में, घोर खड़ा में, भूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घहार में, जीवन के शत-शत आकर्षक अरमानों को जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसी इतिहथ, सुस्मित हर्षित कैसे श्रमशक, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुवन, परहित अर्पित अपना तनमन, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिला। मूल की बात हुई, हम लोग कश्मीर के सवाल के साथ प्रारंभ से जुड़े हुए हैं। कभी कभी लोग कश्मीर के प्रश्न के साथ हमारी प्रतिबद्धता को समझ नहीं पाते। 1952 में 53 में जब कश्मीर पहली बार संकट की स्थली बना, तो हम लोगों ने सबसे पहले उसके विरुद्ध चेतावनी दी थी। जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए संघर्ष किया था। आपको याद है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष के नाते परमिट की प्रथा को तोड़कर कश्मीर में प्रविष्ट हुए थे। कश्मीर भारत का भाग था, है, मगर वहां कोई बस नहीं सकता, जमीन नहीं खरीद सकता। उस समय तो वहां जाने के लिए परमिट की आवश्यकता होती थी। डॉक्टर मुखर्जी ने कहा कि मैं बिना परमिट के जाऊंगा। वो गए, गिरफ्तार कर लिए गए, वापस नहीं आए। उस आंदोलन के समय मैंने जो कविता लिखी थी वो मिल गई है। अत्याचारी ने आज पुनः ललकारा, अत्याचारी ने आज पुनः ललकारा, अन्यायी का चलता है दमन दुधारा, आंखों के आगे सत्य मिटा जाता है, भारत माता का शीश कटा जाता है। क्या पुनः देश टुकड़ों में बढ़ जाएगा? क्या सबका शोध पानी बन जाएगा? कब तक दानव की माया चलने देंगे? कब तक भस्मासुर को हम छलने देंगे? कब तक जम्मू को यों ही चलने देंगे? कब तक जुल्मों की मदिरा चलने देंगे? चुपचाप सहेंगे कब तक लाठी गोली? कब तक खेलेंगे दुश्मन खून से होली? प्रहलाद परीक्षा की बेला भाई, होलिका बनी देखो अब्दुल्ला शाही। मां बहनों का अपमान सहेंगे कब तक? मां बहनों का अपमान सहेंगे कब तक? भोले पांडव चुपचाप रहेंगे कब तक? आखिर सहने की भी सीमा होती है, सागर के उड़ने भी ज्वाला होती है। मलयालम कभी बवंडर बन ही जाता, भोले शिव का तीसरा नेत्र खुल जाता। जिनको जनधन से मोह, प्राण से ममता, जिनको जनधन से मोह, प्राण से ममता, ये दूर है पांच जन्म है बजता, जो विमुख युद्ध क्रूर कागर है, रणभेरी सुन जिन कंपित जिनके अंतर है, वे दूर रहे चूड़ियां पहन कर बैठे, बहने झूठे माताएं कान में थे, जो मान सिंह के वंश सम्मुख आए, फिर एक बार घर में उन्हें आग लगाए, पर अन्यायी की लंका में रहेगी, आने वाली संतानें उन कहेगी, पुत्रों के रहते कटा जन्म का माथा, चुप रहे देखते अन्यायों की गाथा। अब शौर्य से इतिहास नया लिखना है,
अब शौर्य से इतिहास नया लिखना है, बलिपथ पर निर्भव पांव आज रखना है। आओ खंडित भारत के वासी आओ, कश्मीर बुलाता क्या गंगासी आओ, शंकर का मटकल लड़का काव्य जगाता, जम्मू का कंकण त्राही त्राही चिल्लाता, लो सुनो शहीदों की पुकार आती है, अत्याचारी की सत्ता थर्राती, लो सुनो शहीदों की पुकार आती है, अत्याचारी की सत्ता थर्राती, उजड़े सुहाग की लाली तुम्हें बुलाती, अगजली चिता मतवाली तुम्हें बुलाती, अस्थियां शहीदों की देती आमंत्रण, बलवेदी पर कर दो सर्वस्व समर्पण, कारागारों की दीवारों का न्योता, कैसी दुर्बलता अब कैसा समझौता, हाथों में लेकर प्राण चलो मतवालो, सीने में लेकर आंख चलो तड़वालो, जो कदम बढ़ा पीछे नहीं हटेगा, बच्चा बच्चा हंस कर मरे मिटेगा, वर्षों के बाद आज बलि का दिन आया, अन्याय न्याय का चिर संघर्षण लाया, फिर एक बार दिल्ली की किस्मत जागी, जनता जागी अपमानित अस्मत जागी, देखो दिल्ली की कीर्ति न कम हो जाए, कण कण पर फिर बलि की छाया, पाकिस्तान का प्राची की लड़ाई में जितने लोग मैदान में लड़ रहे थे उससे ज्यादा लोग मैदान के बाहर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, लड़ाई का परिणाम सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे। देश के भाग्य का निर्णय होने जा रहा था, मगर उस निर्णय में सारा देश शामिल नहीं था। विदेश मंत्री के नाते मैं अफगानिस्तान गया था, आपको सुनकर ताज्जुब होगा, अफगानिस्तान के अपने मेजबानों से मैंने कहा मैं गजनी जाना चाहता हूं, गजनी। पहले मेरी बात उनकी समझ में नहीं आई, कहने लगे गजनी तो कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, गजनी में कोई फाइव स्टार होटल नहीं है, गजनी में आप जाकर क्या करेंगे, गजनी में आप जाकर क्या देखेंगे। मैं उन्हें पूरी बात नहीं बता सकता, मेरे हृदय में कहीं गजनी कांटे की तरह से चुभ रहा है, जब से मैंने गजनी से आए एक लुटेरे की कथा पढ़ी है और किशोरावस्था में पढ़ी है, मैं देखना चाहता था वो गजनी कैसा है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, महमूद गजनी का अफगानिस्तान के इतिहास में कोई स्थान नहीं है, गजनी छोटी सी जगह, छोटा सा गांव है। कल्पना करिए, सैकड़ों साल पहले बात धूल उड़ती थी, झोपड़ियां थी, मगर एक लुटेरा लुटेरों को इकट्ठा करता हुआ सोने की चिड़िया को लूटने के लिए चला आया, आपस की फूट से जो राजा है वो लड़ेगा, जो क्षत्रिय है वो लड़ेगा। हमने समाज के बहुत बड़े वर्ग को लड़ने के अधिकार से वंचित कर दिया, हमने उन्हें हथियार में उठाने दिया, मार्शल नॉन मार्शल के आधार पर हमने समाज को बांट दिया। वो लुटेरा सोमनाथ के मंदिर तक चला गया, पुजारी देखते रहे, मंदिर की पूजा भक्तों को करना पड़ती है, मंदिर तक एक प्रेरणा का केंद्र है, विश्वास किसमें है यह बड़ी बात नहीं है, विश्वास है या नहीं। हमने समाज के बहुत से बड़े वर्ग को विश्वासहीन बना दिया, लोगों ने हथियार ले लिया, वेद पढ़ने के दरवाजे बंद कर, इसलिए हमारे हम पादा कर।
अफगानिस्तान में मिले एक बात और देखी, मेरे जिस होटल में ठहराया गया उसका नाम था कनिष्क। अफगानिस्तान एक मुस्लिम देश है, मुझे बड़ा ताजुब हुआ, मैंने कहा कनिष्क यहां कहां से आए? तो मेरे साथ अफगानिस्तान के विदेश मंत्री थे, मैंने कहा कनिष्क आपका कौन लगता है, कनिष्क से आपका क्या संबंध है? कहने लगे कनिष्क हमारा पूर्वज है, कनिष्क हमारा पुरखा है। मैंने कहा तब तो हमारे आपके पुरखे लोग हैं, अफगानिस्तान के लोगों ने उपासना पद्धति बदली है, संस्कृति नहीं बदली। आज के भारत के परिवेश में ये सुनने के बाद थोड़ा विचित्र लगता है, हमारे यहां तो धर्मांतरण के साथ राष्ट्रांतरण होता है, अस्थि ऐसा दृश्य दिखाई देता है, पड़ोसी देशों में ऐसा नहीं हुआ। अभी राम जन्मभूमि का मामला चल रहा है, एक विदेशी आए कहने लगे राम जन्मभूमि का क्या झगड़ा है? हमने कहा इस पर विवाद हो रहा है कि राम श्री राम कहां पैदा हुए थे, और जहां पैदा हुए थे वो स्थान उनके मंदिर के लिए प्रयुक्त किया जाए या न किया जाए। वो इंडोनेशिया से आए थे, वो मुसलमान है। कहने लगे हम तो समझते थे कि राम के लिए सारे भारत में आदर होगा, सम्मान होगा। हमने कहा ये आपने कैसे समझा? कहने लगे आप तो इंडोनेशिया आ चुके हैं, इंडोनेशिया में बहुत से लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया, मगर श्री राम को विस्मृत नहीं किया, श्री राम को भुलाया नहीं। इंडोनेशिया के बाली द्वीप में एक महीने रामायण की लीला होती है, मैं उस समारोह में जा चुका हूं। उस समय भी विदेश मंत्री मेरे पास बैठे थे, मैंने कहा ये रामायण ये क्या हो रहा है? मैंने कहा एक्सीलेंसी के मंच पर क्या हो रहा है? कहने लगे एक्सीलेंसी आपको पता होना चाहिए। हमने कहा मुझे तो पता है मगर मैं जानना चाहता हूं। कहने लगे ये रामायण है, ये राम है, ये लक्ष्मण है, ये सीता है। हमने कहा इससे आपका क्या संबंध है, आप तो मुसलमान हैं। कहने लगे हमारा संबंध बहुत पुराना है, हमारा तब का संबंध है जब हम मुसलमान नहीं हुए थे। थाईलैंड की राजधानी अयोध्या कही जाती है, थाईलैंड के राजा को आज भी राम कहा जाता है। पावर पर भी रहूंगी रात की बात है, हिम्मत के साथ बुनियादी तौर पर भारत हिंदू राष्ट्र है, इसको तो इंकार नहीं कर सकता, इसको तो अस्वीकार नहीं कर सकता। पाकिस्तान का जब से जन्म हुआ है अमेरिका उसके पीठ थपथपाता रहा है, चतुर्थ देश का बंटवारा साम्राज्यवादियों की चाल युद्ध का सहारा लेकर और ये सोचकर के पाकिस्तान साम्यवाद के विरुद्ध एक मोर्चा बनेगा, अमेरिका ने उसे शस्त्र गृह समझौता किया। जब पहला अमेरिका का और पाकिस्तान का समझौता हुआ था तो देश में व्यापक रोष पैदा हुआ था, राष्ट्रीय संकल्प को प्रकट करती कविता है, एक नहीं दो नहीं करोड़ मिसा समझौते हैं पाकिस्तान से कहा गया है, एक नहीं दो नहीं करोड़ मिसा समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, शिवश्रेणि शौर्य से किंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता, इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिंगारी का खेल बुरा होता है, इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिंगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर आग लगाने का जो सपना वह अपने ही घर में सदा खड़ा होता है।
अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों हाथ कुल्हाड़ी नहीं चलाओ। ओ नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल न इसका मोल लगाओ। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है। तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई, अंग्रेजों के बल पर दो टुकड़े पाए हैं, मां को खंडित करते तुमको लाज लाज। अमरीकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो, अमरीकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे यह मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से हथियारों से कश्मीर कभी हथियार हो गए यह मत समझो। हमलों से अत्याचारों से संहारों से भारत का सी चुका लोगे यह मत समझो। अमरीकी शस्त्रों से अपने आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे ये मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से अत्याचारों से धमकी जिहाद के नारों से हथियारों से कश्मीर कभी हथियार लोगे ये मत समझो। हमलों से अत्याचारों से संहारों से भारत का शीर झुका लोगे ये मत समझो। जब तक गंगा की धार, जब तक गंगा की धार सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन, सूर्य में तपन शेष, स्वातंत्र समर की वेदी पर अर्पित होंगे अगंत जीवन यौवन अशेष। अमरीका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध, कश्मीर पर भारत का ध्वज नहीं झुकेगा। एक नहीं दो नहीं, एक नहीं दो नहीं, करोड़ों 200 समझौते पर स्वतंत्र भारत का निश्चय नहीं रुकेगा। अब एक और पुरानी कविता है, आज सिंधु में द्वार उठा है, लगपत फिर ललकार उठा है, कुरुक्षेत्र के कण कण से फिर पांचजन्य हुंकार उठा है, शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहां यूनान कहां है, दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहां यूनान कहां है, घर घर में सुबह अग्नि जलाता बहुन्नत ईरान कहां है, दीप बुझे पश्चिमी गगन की क्या हुआ बरबर अधियारा, किंतु चीर कर थमकी छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। हमने उड़का स्नेह लुटाकर पीर ईरानी पाले हैं, हमने उनका स्नेह लुटाकर पीड़ित ईरानी पाली है, निज जीवन की ज्योति जला मानवता के दीपक बाले है, जग को अमृत का खट देकर हमने विष का पान किया था, मानवता के लिए हर्ष से अस्त्र वज्र का दान किया था, जब पश्चिम में वन थल खाकर छाल पहनकर लाज बचाई, तब भारत से साम गान का स्वर्गिक स्वर था दिया सुनाया, ज्ञानी मानव को हमने दिव्य ज्ञान का दान दिया था, अंबर के ललाट को चूमा अतल सूद को छान लिया था, साक्षी है इतिहास प्रकृति का सबसे अनुपम अभिनय होता, पूरब में उगता है सूरज पश्चिम के तम में लय होता, विश्व गगन पर अगणित गौरव के दीपक अब भी जलते हैं, विश्व गगन पर अगणित गौरव के दीपक अब भी जलते हैं, कोटि कोटि नयनों में स्वर्णिम युग के शत सपने पलते हैं, किंतु आज पुत्रों के शोणित से रंजित वसुधा की छाती, किंतु आज पुत्रों के शोणित से रंजित वसुधा की छाती, टुकड़े टुकड़े हुई विभाजित बलिदानी पुरखों की थाती, कण कण पर शोभित बिखरा है पग पग पर माथे की रोली, इधर मन सुख की दीवाली और उधर जनधन की होली। ये बंटवारे की पृष्ठभूमि में लिखी गई कविता है।
हेतुआज पुत्रों के शौनक से रंजित वसुधा की छाती टुकड़े टुकड़े हुई विभाजित बलिदानी पुरखों की थाती कण कण पर शोणित बिखरा है पग पग पर माथे की रोली इधर मने सुख की दीवाली और उधर जनधन की होली मागों का सिंदूर चिदा की पत्र बना हाहा खाता है अगणित जीवन दीप बुझाता पापों का छोका आता है तक से अपना सर टकराकर झेलम की लहरें पुकारती यूनानी का रक्त दिखाकर चंद्रगुप्त को है सुहाग रोनो कर पंजाब पूछता किसने है दो आप बनाया रोनो कर पंजाब पूछता किसने है दो आप बनाया किसने मंदिर गुरुद्वारों को अधर्म का अंधार दिखाया खड़े देहली पर हो किसने पौरुष को ललकारा किसने पापी हाथ बढ़ाकर माता मुख उतारा काश्मीर के नंदन वन को किसने है सुलगाया आज तक सुलग रहा है काश्मीर के नंदन वन को किसने है सुलगाया किसने छाती पर अन्यायों का अंबार लगाया आग खोल कर देखो घर में भीषण आग लगी है धर्म सभ्यता संस्कृति खाने दानव सुधा जगी है हिंदू कहने में शर्माते दूध ल जाते लाज न आती घोर पतन है अपनी माँ को माँ कहने में पटती छाती हिंदू कहने में शर्माते दूध ल जाते लाज न आती घोर पतन है अपनी माँ को माँ कहने में भटकी छाती जिसने रक्त पिलाकर पाला क्षण भर उसकी ओर निहारो सूनी सूनी मांग निहारो बिखरे बिखरे केश निहारो जब तक दुशासन है बैणी कैसे बंध सकती है जब तक दुशासन है बैणी कैसे बंध सकती है कोटि कोटि संपत्ति है माँ की लाज न लुट सकती है गगन में लहरता है भगवा हमारा गगन में लहरता है भगवा हमारा घेरे घोर घनता सता के भयंकर गवा बैठे सर्वस्व आपस में लड़कर बुझे दीप घर घर हुआ शून्य अंबर निराशा निशान है जो डेरा जमाया ये जयचंद के द्रोह का दुष्ट फल है जो अब तक अंधेरा सवेरा लाया घेरे घोर घनदास ताकि भयंकर गवा बैठे सर्वस्व आपस में लड़कर बुझे दीप घर घर हुआ शून्य अंबर निराशा दिशा ने जो डेरा जमाया ये जयचंद के द्रोह का दुष्ट फल है जो अब तक अंधेरा सवेरा न आया मगर घोर तम में पराजय के गम में विजय की विभाले अंधेरे गगन में उषा के वसन दुश्मनों के नयन में चमकता रहा पूज्य भगवा मारा गगन में भगवान है पद्मिनी के जौहर की ज्वाला भगवान है पद्मिनी के जौहर की ज्वाला मिटाती अमावस लुटाती उजाला नया एक इतिहास क्या रचन डाला चिता एक जलने हजारों खड़ी थी पुरुष तो मिटे नारियां सब हवन की समित व ननल के पदों पर चढ़ी थी मगर जौहरों में घिरे कोहरों में धुएं के घनों में कि बल के क्षणों में धधकता रहा पूज्य भगवान मारा गगन में लहरता मिटे देवता मिट गए शुभ्र मंदिर लुटी देवियां लुट गए सब नगर घर स्वयं फूट की अग्नि में घर जलाकर पुरस्कार हाथों में लोहे की कड़ियां कपोतों की माता खड़ी आज भी है भरे अपनी आंखों में आंसू की लड़ियां मगर दासता के भयानक नगर में पराजय समर में अधेरी क्षणों तक शुभाषा बनाता कि इच्छा जगाता कि सब कुछ लुटाकर ही सब कुछ दिलाने बुलाता रहा प्राण भगवा हमारा गगन में लहरता है भगवा अंतिम है कवि थे अकेले ये संके जन्म की कल्पना है डॉक्टर साहब अकेले थे कवि थे अकेले हुए आज इतने नहीं तब डरे तो भला आप डरेंगे कभी थे अकेले हुए आज इतने नहीं तब डरे तो भला करेंगे विरोधों के सागर में चट्टान हैं हम जो टकराएंगे मौत अपनी मरेंगे
ही हम कि सर पर हमारे वरदहस्त धरता जगन में लहर। त्याग को संन्यास कहते हैं और कितने ही विचार कुशल पुरुष संपूर्ण कर्म फलों के त्याग को त्याग कहते। मैं शंकर का वह क्रोधा नल कर सकता जगती क्षार क्षार डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूँ जिसमें नचता भीषण संहार रणचंडी की प्यास। मैं दुर्गा का उन्मत्त हास मैं यम की प्रलयंकर पुकार जलते मरघट का धुआं धार फिर अंतरतम की ज्वाला सी जगती में आग लगा दूं मैं। यदि धधक उठे जल थल अंबर जड़ चेतन तो कैसा विस्मय हिंदू तन मन हिंदू जीवन रगर हिंदू मेरा। मैं आज पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भूपल पै पीकर सम्मरते आए मैं अमर हुआ लो विष पीकर। मैं आज पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भू पर पै पीकर सब मरते आए मैं अमर हुआ लो विष पीकर। अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर वह आग प्रखर हो जाती दुनिया भस्म सात जिसको पल भर मैं ही छूकर। वैसे व्याकुल फिर दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया न इसमें कुछ संशय हिंदू तन मन हिंदू जीवन रगर रगर। मैं अखिल विश्व का गुरु महान देता विद्या का अमरदान मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान। मेरे वेदों का ज्ञान अमर मेरे वेदों की ज्योति प्रखर मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सख का शहर। मेरा स्वर नभ में घर घर सागर की जल में छहर छहर इस कोने से उस कोने तक कर सकता जगती सौरभ मैं हिंदू जन्म न हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा। मैं तेज पुंज तमलीन जगत में फैलाया मैंने प्रकाश जगती का रच करके विनाश कब चाहा है निज का विकास। शरणागत की रक्षा की है मैंने अपना जीवन देकर विश्वास नहीं यदि आता तो साक्षी है इतिहास अमर। यदि आज देहली के खंडहर सदियों की निद्रा से जगकर गुंजार उठे ऊंचे स्वर से हिंदू की जय तो क्या विस्मय हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा। दुनिया के वीराने पथ पर जब जब निर्णय खाई ठोकर दुनिया के वीराने पथ पर जब जब निर्णय खाई ठोकर जो आंसू शेष बचा पाया जब जब मानव सब कुछ खोकर मैं आया तभी द्रवित होकर मैं आया ज्ञान दीप लेकर भूला भटका मानव पथ पर चल निकला सोते से जगकर पथ के आवर्तों से थककर जो बैठ गया आधे पथ पर उस नर को राह दिखाना ही मेरा सदैव का दृढ़ निश्चय हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा। मैंने छाती का लहू पिला पाले विदेश के सुजित लाल मुझको मानव में भेद नहीं मेरा अंतस्थल वर विशाल। जग से ठुकराए लोगों को लो मेरे घर का खुला द्वार अपना सब कुछ हूँ लुटा चुका फिर भी अक्षय है धनागार। मेरा हीरा पाकर ज्योतित परकियों का वह राज मुकुट यदि इन चरणों पर झुक जाए कल वह किरीट तो क्या विस्मय हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग मेरा। मैं वीर पुत्र मेरी जननी के जगती में जौहर अपार अकबर के पुत्रों से पूछो क्या याद उन्हें मीना बाजार क्या याद उन्हें चित्तौड़ दुर्ग में चलने वाली आग प्रखर। जब हाय सहस्त्रों माताएं तिल तिल कर जल कर हो गई अमर वह बुझने वाली आग नहीं रग रग में उसे समाये बुझने वाली आग नहीं रग रग में उसे समाये हूँ। यदि कभी अचानक फूट पड़े विप्लव लेकर तो क्या विस्मय हिंदू तन मन हिंदू जीवन को गुलाम होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है कर लूं जग को गुलाम। मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू। अंत में मैं एक बिंदु
मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु है यह मेरा हिंदू समाज, मेरा इसका संबंध अमर में व्यक्ति और यह है समाज। इससे मैंने पाया तन मन, इससे मैंने पाया जीवन, मेरा तो बस कर्तव्य ही कर दूं सब कुछ इसके अर्पण। मैं तो समाज की थाती हूँ, मैं तो समाज का हूँ सेवक, मैं तो समष्टि के लिए व्यष्टि का कर सकता बलिदान। अब है हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा। मौत से मनुष्य की हमेशा थमती है। कौन फिर से रूढ़ है मेरी, क्या हुआ? मौत से ठन गई, जूझने का मेरा कोई इरादा न था। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोक कर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती है? रास्ता रोककर खड़ी हो गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, दूर पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोक कर वो खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या दो पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं। देखिए कवि का मन, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्या डरूं। तू दबे पाओ क्योरी छिपे से ना, सामने वार कर थे मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई रम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कि कोई रम ही नहीं। दर्द अपने पराए कुछ कम भी नहीं, प्यार इतना परायों से मुझको मिला, नातनों से बाकी है कोई गिला। हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आधियों ने जलाए हैं पुष्टे दिए। दिल की बात हुई, हम लोग कश्मीर के सवाल के साथ प्रारंभ से जुड़े हुए हैं। कभी कभी लोग कश्मीर के प्रश्न के साथ हमारी प्रतिबद्धता को समझ नहीं पाते। 1952 में 53 में जब कश्मीर पहली बार संकट की स्थली बना, तो हम लोगों ने सबसे पहले उसके विरुद्ध चेतावनी दी थी। जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए संघर्ष किया था। आपको याद है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष के नाते परमिट की प्रथा को तोड़कर कश्मीर में प्रविष्ट हुए थे। कश्मीर भारत का भाग था, है, मगर वहां कोई बस नहीं सकता, जमीन नहीं खरीद सकता। उस समय तो वहां जाने के लिए परमिट की आवश्यकता होती थी। डॉक्टर मुखर्जी ने कहा कि मैं बिना परमिट के जाऊं। वो गए, गिरफ्तार कर लिए गए, वापस नहीं आए। उस आंदोलन के समय मैंने जो कविता लिखी थी वो मिल गई है। अत्याचारी ने आज पुनः ललकारा, अत्याचारी ने आज पुनः ललकारा, अन्यायी का चलता है दमन दुधारा। आंखों के आगे सत्य मिटा जाता है, भारत माता का शीश कटा जाता है। क्या पुनः देश टुकड़ों में बढ़ जाएगा? क्या सबका शोध पानी बन जाएगा? कब तक दानव की माया चलने देंगे? कब तक भस्मासुर को हम छलने देंगे? कब तक जम्मू को यों ही चलने देंगे? कब तक जुल्मों की मदिरा चलने देंगे? चुपचाप सहेंगे कब तक लाठी गोली? कब तक खेलेंगे दुश्मन खून से होली? प्रहलाद परीक्षा की बेला भाई, होलिका बनी देखो अब्दुल्ला शाही। मां बहनों का अपमान सहेंगे कब तक? मां बहनों का अपमान सहेंगे कब तक? भोले पांडव चुपचाप रहेंगे कब तक? आखिर सहने की भी सीमा होती है, सागर के उड़ने भी ज्वाला होती है। मलयालम कभी बवंडर बन ही जाता, भोले शिव का तीसरा नेत्र खुल जाता। जिनको झमझम से मोह, प्राण से ममता,
जिनको जन धन से मोह प्राण से ममता, ये दूर रहे पांच जन्य है बजता। जो विमुख युद्ध क्रूर कादर है, रणभेरी सुन जिन कंपित जिनके अंतर है, वे दूर रहे चूड़ियां पहन घर बैठे, बहने छूटे माताएं कान बैठे। जो मान सिंह के बल से सम्मुख आए, फिर एक बार घर में उन आग लगाए, पर अन्याई की लंका में रहेगी, आने वाली संतानें मुन कहेंगी, पुत्रों के रहते कटा जमीन का माथा, चुप रहे देखते अन्यायों की गाथा। अब शौर्य से इतिहास नया लिखना है, अब शौर्य से इतिहास नया लिखना है, बलिपथ पर निर्भव पांव आज रखना है। आओ खंडित भारत के वासी आओ, कश्मीर बुलाता क्या गंगासी आओ, शंकर का मठ कल्लड़ का काव्य जगाता, जम्मू का कंकण त्राही त्राही चिल्लाता, लो सुनो शहीदों की पुकार आती है, अत्याचारी की सत्ता थर्राती, लो सुनो शहीदों की पुकार आती है, अत्याचारी की सत्ता थर्राती, उजड़े सुहाग की लाली तुम्हें बुलाती, अगजली चिता मतवाली तुम्हें बुलाती, अस्थियां शहीदों की देती आमंत्रण, बलवेदी पर कर दो सर्वस्व समर्पण, कारागारों की दीवारों का न्योता, कैसी दुर्बलता अब कैसा समझौता, हाथों में लेकर प्राण चलो मतवालो, सीने में लेकर आंख चलो प्रणवालो, जो कदम बढ़ा पीछे नहीं हटेगा, बच्चा बच्चा हंसकर मरे मिटेगा, वर्षों के बाद आज बलि का दिन आया, अन्याय न्याय का चिर संघर्ष आया, फिर एक बार दिल्ली की किस्मत जागी, जनता जागी अपमानित अस्मत जागी, देखो दिल्ली की कीर्ति न कम हो जाए, कण कण पर फिर बलि की छाया। पाकिस्तान का हे महाबाहो, प्राची की लड़ाई में मुझसे भली प्रकार जान, जितने लोग मैदान में लड़ रहे थे उससे ज्यादा लोग मैदान के बाहर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, लड़ाई का परिणाम सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे। देश के भाग्य का निर्णय होने जा रहा था, मगर उस निर्णय में सारा देश शामिल नहीं था। विदेश मंत्री के नाते में अफगानिस्तान गया, आपको सुनकर ताज्जुब होगा, अफगानिस्तान के अपने मेजबानों से मैंने कहा मैं गजनी जाना चाहता हूं, गजनी। पहले मेरी बात उनकी समझ में नहीं आई, कहने लगे गजनी तो कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, गजनी में कोई फाइव स्टार होटल नहीं है, गजनी में आप जाकर क्या करेंगे, गजनी में आप जाकर क्या देखेंगे। जिस इच्छा के साथ साधन मिला मैं उन्हें पूरी बात नहीं बता सकता। और पांचवा हेतु है, मेरे हृदय में कहीं गजनी कांटे की तरह से चुभ रहा है, जब से मैंने गजनी से आए एक लुटेरे की कथा पढ़ी है और किशोरावस्था में पढ़ी है, मैं देखना चाहता था वो गजनी कैसा है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, महमूद गजनी का अफगानिस्तान के इतिहास में कोई स्थान नहीं है। मनुष्य मन वाणी अथवा शरीर से शास्त्र के अनुसार अथवा गजनी छोटी सी जगह, छोटा सा गांव है, उनके ये पांचों कल्पना करिए, सैकड़ों साल पहले बात धूल उड़ती थी, झोपड़ियां थी, मगर एक लुटेरा लुटेरों को इकट्ठा करता हुआ सोने की चिड़िया को लूटने के लिए चला आया, आपस की फूट से जो राजा है वो लड़ेगा, जो क्षत्रिय वो लड़ेगा। हमने समाज के बहुत बड़े वर्ग को लड़ने के अधिकार से वंचित कर दिया, हमने उन्हें हथियार में उठाने दिए, मार्शल नॉन मार्शल के आधार पर हमने समाज को बांट दिया। वो लुटेरा सोमनाथ के मंदिर तक चला गया, पुजारी देखते रहे, मंदिर की
पूजा भक्तों को करना पड़ती है। मंदिर तो एक प्रेरणा का केंद्र है। विश्वास किसमें है यह बड़ी बात नहीं है, विश्वास है या नहीं। हमने समाज के बहुत से बड़े वर्ग को विश्वासहीन बना दिया। लोगों ने हथियार ले उठाए, वेद पढ़ने के दरवाजे बंद कर दिए। इसलिए हमारे इसलिए हम पादा का अफगानिस्तान में मेरे एक बात और गई। मुझे जिस होटल में ठहराया गया उसका नाम था कनिष्क। अफगानिस्तान एक मुस्लिम देश है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, मैंने कहा कनिष्क यहां कहां से आए। तो मेरे साथ अफगानिस्तान के विदेश मंत्री थे, मैंने कहा कनिष्क आपका कौन लगता है, कनिष्क से आपका क्या संबंध है। कहने लगे कनिष्क हमारा पूर्वज है, कनिष्क हमारा पुरखा है। मैंने कहा तब तो हमारे आपके पुरखे लोग हैं। अफगानिस्तान के लोगों ने उपासना पद्धति बदली है, संस्कृति नहीं बदली। आज के भारत के परिवेश में यह सुनने के बाद थोड़ा विचित्र लगता है। हमारे यहां तो धर्मांतरण के साथ राष्ट्रांतरण होता है, असली ऐसा दृश्य दिखाई देता है। पड़ोसी देशों में ऐसा नहीं हुआ। अभी राम जन्मभूमि का मामला चल रहा है, एक विदेशी आए कहने लगे राम जन्मभूमि का क्या झगड़ा है। हमने कहा इस पर विवाद हो रहा है कि राम श्री राम कहां पैदा हुए थे और जहां पैदा हुए थे वो स्थान उनके मंदिर के लिए प्रयुक्त किया जाए या न किया जाए। वो इंडोनेशिया से आए थे, वो मुसलमान है। कहने लगे हम तो समझते थे कि राम के लिए सारे भारत में आदर होगा, सम्मान होगा। हमने कहा आपने कैसे समझा। कहने लगे आप तो इंडोनेशिया आ चुके हैं, इंडोनेशिया में बहुत से लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया मगर श्री राम को विस्मृत नहीं किया, श्री राम को भुलाया नहीं। इंडोनेशिया के बाली द्वीप में एक महीने रामायण की लीला होती है। मैं उस समारोह में जा चुका हूं, उस समय भी विदेश मंत्री मेरे पास बैठे थे। मैंने कहा ये रामायण ये क्या हो रहा है। मैंने कहा एक्सीलेंसी ये मंच पर क्या हो रहा है। कहने लगे एक्सीलेंसी आपको पता होना चाहिए। हमने कहा मुझे तो पता है मगर मैं जानना चाहता हूं। कहने लगे ये रामायण ये राम है, ये लक्ष्मण है, ये सीता है। हमने कहा इससे आपका क्या संबंध है, आप तो मुसलमान है। कहने लगे हमारा संबंध बहुत पुराना है, हमारा तब का संबंध है जब हम मुसलमान नहीं हुए थे। थाईलैंड की राजधानी अयोध्या से ही जाती, थाईलैंड के राजा को आज भी राम कहा जाता है। कर भी रहे की बात है, कल्याणकारी हिम्मत के साथ वो कर्म में बरतता है। बुनियादी तौर पर भारत हिंदू राष्ट्र है, इसको तो इंकार नहीं कर सकता, इसे तो अस्वीकार नहीं कर सकता। कर्ता के भी तीन तीन भेद हैं, ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्यानि यथावच्छृणुतान्यपि। पाकिस्तान का जब से जन्म हुआ है अमेरिका उसकी पीठ थपथपाता रहा है। सचिव में देश का बंटवारा और साम्राज्यवादियों की चाल थी। शीत युद्ध का सहारा लेकर और ये सोच करके पाकिस्तान साम्यवाद के विरुद्ध एक मोर्चा बनेगा,
अमेरिका ने उसे शस्त्र दिए, समझौता किया। जब पहला अमेरिका का और पाकिस्तान का समझौता हुआ था तो देश में व्यापक रोष पैदा हुआ था। राष्ट्रीय संकल्प को प्रकट करती कविता है, एक नहीं दो नहीं करोड़ मिसा समझौते जो पाकिस्तान से कहा गया है, एक नहीं दो नहीं करो 200 समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, शिशेर शौर्य से किंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिंगारी का खेल बुरा होता है। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिंगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर आग लगाने का जो सपना वह अपने ही घर में सदा खड़ा हो, अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ, ओ नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल न इसका मोल लगाओ। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई, अंग्रेजों के बल पर दो टुकड़े पाए हैं, मां को खंडित करते तुमको लाजना, अमरीकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो, अमरीकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो, 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे यह मत समझो, धमकी जिहाद के नारों से हथियारों से कश्मीर कभी हथियार लोगे यह मत समझो, हमलों से अत्याचारों से संहारों से भारत का सिर झुका लोगे यह मत समझो। अमरीकी शस्त्रों से अपने आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे ये मत समझो, 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे ये मत समझो, धमकी जिहाद के नारों से अत्याचारों से धमकी जिहाद के नारों से हथियारों से कश्मीर कभी हथियार लोगे ये मत समझो, हमलों से अत्याचारों से संहारों से भारत का शीर झुका लोगे ये मत समझो। जब तक गंगा की धार, जब तक गंगा की धार सिंध में ज्वार, अग्नि में जलन, सूर्य में तपन शेष, स्वातंत्र समर की वेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन यौवन अशेष, अमरीका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध, कश्मीर पर भारत का ध्वज नहीं झुकेगा, एक नहीं दो नहीं, एक नहीं दो नहीं करो 200 समझौते पर स्वतंत्र भारत का निश्चय नहीं रुकेगा। अब एक और पुरानी कविता से युक्त है, फल को चाहने वाले और कविता है, आज सिंधु ने द्वार उठा है, नगपत फिर ललकार उठा है, कुरुक्षेत्र के कण कण से फिर पांचजन्य हुंकार उठा है, शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा, दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ यूनान कहाँ है, दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ यूनान कहाँ है, घर घर में सुबह अग्नि जलाता बहुन्नत ईरान कहाँ है, दीप बुझे पश्चिमी गगन की व्याप्त हुआ बरबर अधियारा, किंतु चीर कर थमकी छाती चमका हिंदुस्तान हमारा, हमने उड़का स्नेह लुटाकर पीड़ित ईरानी पाले हैं, हमने उड़का स्नेह लुटाकर पीड़ित ईरानी पाली है, निज जीवन की ज्योति जला मानवता के दीपक बाले हैं, जग को अमृत का खट देकर हमने विष का पान किया था, मानवता के लिए हर्ष से अस्त्र वज्र का दान किया था, जब पश्चिम ने वन फल खाकर छाल पहनकर लाज बचाई, तब भारत से साम गान का स्वर्गिक स्वर था दिया सुनाया, अज्ञान
असली मानव को हमने दिव्य ज्ञान का दान दिया था, अंबर के ललाट को चूमातल सूद को छान लिया था। साक्षी है इतिहास, प्रकृति का सबसे अनुपम अभिनय होता, पूरब में उगता है सूरज पश्चिम के तम में लय होता। विश्व गगन पर अगणित गौरव के दीपक अब भी जलते हैं, विश्व गगन पर अगणित गौरव के दीपक अब भी जलते हैं। कोटि कोटि नयनों में स्वर्णिम युग के शत सपने पलते हैं, किंतु आज पुत्रों के शोणित से रंजित वसुधा की छाती, किंतु आज पुत्रों के शोणित से रंजित वसुधा की छाती, टुकड़े टुकड़े हुई विभाजित बलिदानी पुरखों की थाती, कण कण पर शोणित बिखरा है पग पग पर माथे की रोली, इधर मन सुख की दीवाली और उधर जनधन की होली। ये बंटवारे की पृष्ठभूमि में लिखी गई कविता है। किंतु आज पुत्रों के शोणित से रंजित वसुधा की छाती, टुकड़े टुकड़े हुई विभाजित बलिदानी पुरखों की थाती, कण कण पर शोणित बिखरा है पग पग पर माथे की रोली, इधर मने सुख की दीवाली और उधर जनधन की होली। मागों का सिंदूर चिदा की अस्त्र बना हाहा खाता है, अगणित जीवन दीप बुझाता, पापों का छोका आता है, तक से अपना सर टकराकर झेलम की लहरें पुकारती, यूनानी का रक्त दिखाकर चंद्रगुप्त को है सुहाग। रोनो कर पंजाब पूछता किसने है दो आप बनाया, रोनो कर पंजाब पूछता किसने है दो आप बनाया, किसने मंदिर गुरुद्वारों को अधर्म का अंधार दिखाया, खड़े देहली पर हो किसने पौरुष को ललकारा, किसने पापी हाथ बढ़ाकर माता मुख को उतारा। कश्मीर के नंदन वन को किसने है सुलगाया, आज तक सुलग रहा है। कश्मीर के नंदन वन को किसने है सुलगाया, किसने छाती पर अन्यायों का अंबार लगाया। आग खोल कर देखो घर में भीषण आग लगी है, धर्म सभ्यता संस्कृति खाने दानव सुधा जगी है, हिंदू कहने में शर्मा से दूध ल जाते लाज न आती, घोर पतन है अपनी माँ को माँ कहने में पटती छाती। हिंदू कहने में शर्मा से दूध ल जाते लाज न आती, घोर पतन है अपनी माँ को माँ कहने में भटकी छाती। जिसने रक्त पिलाकर पाला, क्षण भर उसकी ओर निहारो, सूनी सूनी मांग निहारो, बिखरे बिखरे केश निहारो, जब तक दुशासन है बैनी कैसे बंध सकती है, जब तक दुशासन है बैनी कैसे बंध सकती है, कोटि कोटि संपत्ति है माँ की लाज न लुट सकती है। पार्थ गगन में लहरता है भगवा हमारा, गगन में लहरता है भगवा हमारा, घेरे घोर घनता सता के भयंकर गवा बैठे सर्वस्व आपस में लड़कर, बुझे दीप घर घर हुआ शून्य अंबर, निराशा निशान है जो डेरा जमाया, ये जयचंद के द्रोह का दुष्ट फल है जो अब तक अंधेरा सवेरा ना आया। घेरे घोर घन दासता के भयंकर गवा बैठे सर्वस्व आपस में लड़कर, बुझे दीप घर घर हुआ शून्य अंबर, निराशा दिशा ने जो डेरा जमाया, ये जयचंद के द्रोह का दुष्ट फल है जो अब तक अंधेरा सवेरा न आया। मगर घोर तम में पराजय के गम में, विजय की विभाले अंधेरे गगन में, उषा के वसन दुश्मनों के नयन में, चमकता रहा पूज्य भगवा मारा गगन में। भगवा है पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, भगवा है पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, मिटाती अमावस लुटाती उजाला, नया एक इतिहास क्या रचन डाला, चिता एक जलने हजारों खड़ी थी, पुरुष
तो मिटे नारियां सब हवन की, समिज व ननल के पदों पर चढ़ी थी, मगर चौहरों में घिरे कोहरों में धुएं के घनों में कि बल के क्षणों में धधकता रहा पूज्य भगवान हमारा गगन में लहरता है अगवा। मिटे देवता मिट गए शुभ मंदिर, छुटी देवियां लुट गए सब नगर घर, स्वयं फूट की अग्नि में घर जलाकर पुरस्कार, हाथों में लोहे की कड़ियां, कपोतों की माता घड़ी आज भी है, भरे अपनी आंखों में आंसू की लड़ियां, मगर दासता के भयानक नगर में पराजय समर में अधेरी क्षणों तक शुभाषा बुलाता कि इच्छा जगाता कि सब कुछ लुटा कर ही सब कुछ दिलाने बुलाता रहा प्राण भगवा हमारा गगन में लहरता है भगवा। अंतिम है कवि थे अकेले, इस उनके जन्म की कल्पना है, डॉक्टर साहब अकेले थे, कवि थे अकेले हुए आज इतने, नहीं तब डरे तो भला आप डरेंगे, कभी थे अकेले हुए आज इतने, नहीं तब डरे तो भला करेंगे, विरोधों के सागर में चट्टान हैं हम जो टकराएंगे, मौत अपनी मरेंगे, लिया हाथ में कुछ कभी ना झुकेगा, लिया हाथ में कुछ कभी ना झुकेगा, कदम बढ़ रहा है कभी ना रुकेगा, न सूरज के सम्मुख अंधेरा टिकेगा, निडर है सभी हम, अमर है सभी हम, कि सर पर हमारे वरद हस्त करता जगन में लहर। योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। योगेन यौगिक प्रक्रिया। मैं शंकर का वह क्रोधा न कर सकता, जगती क्षार क्षार डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूँ, जिसमें नचता भीषण संहार रणचंडी की अद्भुत प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरखट का धुआं धार, फिर अंतरतम की ज्वाला सी जगती में आग लगा दूं मैं, यदि धधक उठे जल थल अंबर, जड़ चेतन तो कैसा विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीव रगर मैं आज पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भूपल, पै पीकर सम्मरते आए मैं अमर हुआ लो विष पीकर, मैं आज पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भू पर, पै पीकर सब मरते आए मैं अमर हुआ लो विष पीकर, अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर, वह आग प्रखर हो जाती दुनिया भस्म सात, जिसको पल भर में ही छूकर, वैसे व्याकुल फिर दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया, न इसमें कुछ संशय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रगर मैं अखिल विश्व का गुरु महान देता विद्या का, मैं अखिल विश्व का गुरु महान देता विद्या का अमरदान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान, मेरे वेदों का ज्ञान अमर मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सख का शहर, मेरा स्वर नभ में घर घर सागर की जल में छहर छहर, इस कोने से उस कोने तक कर सकता जगती सौरभ मैं, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं तेज पुंज तमलीन जगत में फैलाया मैंने प्रकाश, जगती का रच करके विनाश कब चाहा है निज का विकास, शरणागत की रक्षा की है मैंने अपना जीवन देकर, विश्वास नहीं यदि आता तो साक्षी है इतिहास अमर, यदि आज देहली के खंडहर सदियों की निद्रा से जग कर गुंजार उठे ऊंचे स्वर से, हिंदू की जय तो क्या विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन।